पार्ट 3 आ गया बीच में। ये है चैनल रेन ए और मैं हूं रैना, अनिल रैना। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? होप अच्छे ही होंगे। मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। आज मैं ड्राइवरी नहीं कर रहा हूँ, वो काम मैंने दे दिया है आज जूनियर को, और मैं कर रहा हूँ शूट, ब्लॉग कर रहा हूँ शूट, गोली नहीं मार रहा हूँ। तो ये कहाँ पहुँच गए हूँ? ये पार्क है, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। अच्छी जगह है विजिट करने के लिए, राजेंद्र पार्क, इसे राजेंद्र पार्क कहते हैं। ये कैनाल हेड से शुरू होता है और भगवती नगर वाली सड़क पे है। इसके दूसरी ओर है रंबीर कैनाल, उसी के राइट बैंक के अलोंग ये बना हुआ है। अभी हमारे लेफ्ट साइड पे आपको उसी कैनाल की झलक मिल रही है। अभी हम हैं भगवती नगर वाले इलाके में और ये है यहाँ का मंदिर। इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं कभी यहाँ गया ही नहीं हूँ। देखने में तो बहुत सुंदर है। ये है भगवती नगर का राउंड अबाउट और आगे हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे। देखिए टांगे वाला क्या शान से जा रहा है। और वो आगे जो अधूरा कंस्ट्रक्शन है वो है ओवरहेड टैंक का। लगता है वो यहाँ पे बन रही थी पर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के कारण उसे बाद में रोक दिया गया होगा। ये है यहाँ का फोर्थ ब्रिज और उस ओर बनाया जा रहा था एक बैराज जिसके पीछे एक लेक बनाने का प्लान था, पर लगता है वो प्रोजेक्ट अब अबेंडन कर दिया गया है। ये जम्मू शहर के चारों पुलों में से सबसे नया पुल है। वह बह रही है इसके नीचे से तवी नदी और आज इसका पानी कुछ ज़्यादा ही मटमैला है। वह इसलिए कि पिछले दिनों बारिशें होती रही हैं और आज भी मौसम कुछ थोड़ा गड़बड़ ही है। लगता है कैचमेंट एरिया में कुछ इरोजन हो रहा है। वह जो आपको पानी में खंबे या पायर्स जैसे दिख रहे हैं वो उसी बैराज के हिस्से हैं जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था आपको। उस पार से अभी हम आए हैं और देखिए उस ओर कितने काले बादल उमड़ आए हैं। इस ओर भी बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है। विंड स्क्रीन पे तो आपको बूंदे दिख ही रही होंगी। इसी बीच हम पहुंच गए हैं जम्मू के ओल्ड वेयर हाउस एरिया में। वो वहाँ है यहाँ की कोई एक पुरानी सी बिल्डिंग। अब हम पहुँचने वाले हैं जम्मू के एक मशहूर होटल के पास, एशिया होटल। ये उसका पिछला साइड है और ये है अगला। अब हम जा रहे हैं जम्मू के सबसे पॉश इलाके के पास से। मेरे लेफ्ट साइड पे है गांधी नगर। आगे चल के हमें गांधी नगर इलाके में ही घुसना है ग्रीन बेल्ट पार्क के पास से। लो जी, यहाँ पे लेफ्ट को जाने वाला रास्ता तो ग्रीन है, सीधे वाला रेड है। लगता है कोई सीधे जाने वाला हमारे रास्ते को ब्लॉक किए हुए खड़ा है। चलिए जल्दी ही हम निपट लिए यहाँ से, वरना तो आप जानते ही हैं हमारी स्विक सेंस, गुड रोड सेंस और राइट ड्राइविंग सेंस के बारे में। जब तक हम दूसरे को परेशान करके आगे न निकले तब तक हमारा तो दिल ही नहीं भरता। ये घुस गए हम गांधीनगर इलाके में और लेफ्ट पे जो आपको ग्रीनरी दिख रही है वो है यहाँ के ग्रीन बेल्ट पार्क की। आगे वाला ये चौक थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन हुआ करता था एक ज़माने में, क्योंकि ये है थोरोफेयर यहाँ का। लेफ्ट और राइट से आने वाली गाड़ियों को दूर से देखने की गुंजाइश यहाँ पर बहुत कम है। बहुत अरसे से अब यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लग चुकी हैं तो बहुत फ़र्क पड़ चुका है। ये ग्रीन बेल्ट पार्क कई हिस्सों में बटा हुआ है
क्योंकि इसको काटती हुई बहुत सारी सड़कें निकलती हैं इसके अक्रॉस। इसी में से एक हिस्सा है ये यहाँ पे बच्चों का पार्क, जिसमें झूले लगे हुए हैं, पर आजकल बच्चे तो नदारत हैं पेंडेमिक के कारण। अब आगे हम पहुँचने वाले हैं वाल्मीकि चौक पे। ये रहा, यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे को आराम से जाने नहीं देंगे, ये कुसे जाएंगे एक दूसरे के सामने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए। अब रहना तो इसी माहौल में है तो इसका किया क्या जा सकता है। वह अंग्रेजी कहावत है ना, वट कान्ट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये जनाब राउंड अबाउट से घूम के आने के बजाय सामने ही घुस गए हैं बीच से ही। चलिए छोड़िए ये सब, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। आगे जाके हम जाने वाले हैं लेफ्ट की ओर, बहू प्लाजा की ओर। ये है यहाँ का एक मशहूर कमर्शियल एरिया, पर अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम निकले हैं अभी ड्राइवरी करने। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो अभी तक पता चल चुका है कि मेरा ड्राइवरी से मतलब क्या है। जो जानते नहीं हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पुराने जम्मू दर्शन वाले वीडियोज़ देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। ये वीडियो देख के देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा आगे ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है, ईडन बॉटनिक किचन एंड बबली या बुबली, कुछ ऐसा ही नाम है। ये रहा, अगर आप यहाँ गए हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा यहाँ के बारे में। थोड़ा आगे ही वो है वहाँ पे विशाल मेगामार्ट वाली बिल्डिंग, लगता है आज यहाँ पे प्रोडक्ट्स की सेल लगी है तभी लोग यहाँ जमा हुए हैं। हैं तो कम पेंडेमिक के कारण, पर हैं। अब मैं वो काम पूरा करता हूँ जिसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ और उसके बाद निकल चलता हूँ दूसरी ओर। चलो जी, वो काम पूरा हो गया है और अब मैं पहुँच गया हूँ अम्बेडकर चौक के पास। उनकी मूर्ति यहाँ इस राउंड अबाउट वाले पार्क के बीच में लगी हुई है। चलिए रफ्तार बढ़ाते हैं और पहुँच जाते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की ओर। यहाँ राइट को जाने वाला रास्ता बहू फोर्ट को जाता है। यहाँ राइट पे है J&K बैंक वाली बिल्डिंग और लेफ्ट पे है KK हखू हॉकी स्टेडियम। आगे ही राइट पे है जम्मू यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस। अब आगे मैं ऐसी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने और कहीं देखी हो। ये बेचारा यहाँ पे पेड़ नहीं, मोबाइल टावर बन चुका है। अलग से टावर बनाने के बजाय इसी पेड़ पे ये ट्रांसपॉन्डर लगा दिए गए हैं, ट्रांसपॉन्डर ही शायद कहते हैं इन्हें। ये है MAM कॉलेज और आगे हम निकल चलेंगे विक्रम चौक की ओर। ये पहुंच चुके हैं हम विक्रम चौक पे और वो उस साइड पे है विक्रम सिंह जी की मूर्ति। जब यहाँ फ्लाईओवर बना नहीं था तो ये मूर्ति बीच में हुआ करती थी चौक के। अगर मुझे उस ज़माने के फ़ोटोज़ और वीडियोस अपने लैपटॉप पे मिले तो मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि ये चौक तब दिखता कैसा था और अब कितना डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे। ये है डोगरा चौक। आगे हम ज्वेल चौक से लेफ्ट की ओर मुड़ के कैनाल रोड पे चल पड़े। थोड़ा और आगे बढ़ के हम पहुंच गए साइंस कॉलेज के पास। उसके बाद ट्रैफिक जैम में फंसते फंसाते हम लौट आए वहीं पे जहां से हमने शुरू किया था ये वीडियो, यानी कैनाल हेड पे। एक्चुअली मैं आज का वीडियो कंक्लूड करना चाहता था वहीं पे जहां से मैंने शुरू किया था। तो फिर मैं लेता हूं आपसे रुख्सत और मिलता हूं आपसे अपने किसी और वीडियो में। तब तक झूले नमस्कार सत श्री अकाल।